बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। इस किस्म का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली तौर पे ट्रांसफ़र हो जाता था एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। बट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स। अब अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 14 टू ग्रुप 17, ग्रुप 14 टू ग्रुप 17, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये जब आपस में बाहमी बॉन्ड बनाते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्रुप 14 टू ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये बॉन्ड किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो इसमें अगर आप लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट्स देखें तो जैसे क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन के दो एटम आपस में मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं Cl2, और क्लोरीन मॉलिक्यूल गैशियस फॉर्म में होता किस तरीके से, एक क्लोरीन का एटम, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि दूसरा क्लोरीन का एटम, इसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जबकि इस क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जब आपस में दोनों एटम्स मिलेंगे, ये एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ग्रुप नंबर 17 से, और क्लोरीन एलिमेंट के एटम्स हैं, दो क्लोरीन एटम आपस में क्या बना रहे हैं, वो मिल रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड किस तरह बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, ये शेयर करेंगे। क्लोरीन एटम ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये क्लोरीन एटम ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका आखिरी शेल जिसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्लोरीन एटम का आखिरी शेल भी कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों एटम मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट, होता क्या है, इसमें भी ये दोनों एटम जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो टाइप्स की फोर्सेस एक्ट करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स किस तरह अप्लाई होती है, ये क्लोरीन, इसका ये जो क्लोरीन एटम है इसका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये जो क्लोरीन एटम है इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दो एटम्स हैं, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है, वो अमल करती है, वो अप्लाई होती है। जबकि रिपल्सिव फोर्स किस तरीके से अमल करती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस एटम के भी इलेक्ट्रॉन, इस एटम के भी इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साथ में डियर स्टूडेंट, इस एटम क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस और इस क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस ये भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से हो रही थी, एक क्लोरीन का एटम
एक क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन रिपल्शन कहाँ पे हो रही थी? दोनों क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और दोनों क्लोरीन एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। बट देखना ये है कि कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होती है, मीन्स कि कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगी या फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगी, मीन्स कि किस फोर्स की क्या बर्तरी होगी। तो इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इसकी बर्तरी ज़्यादा हो जाती है, ये डोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिवेलप हो जाता है बिटवीन टू एटम्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स की डोमिनेंसी की वजह से या अट्रैक्टिव फोर्स की डोमिनेंट होने की वजह से दोनों एटम्स के दरमियान बॉन्ड डिवेलप हो जाता है और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ इंट्रोडक्शन था कोवलेंट बॉन्ड का। अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन स्टडी करते हैं, जो डेफिनेशन है बॉन्ड पेयर की। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप, यानी वो वाले इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म a chemical bond is called bond pair. वो वाले electrons जो के pair up होके जोड़ा बना के क्या बनाते हैं, chemical bond बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, bond pair। इसको उर्दू में लिख देता हूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए बहम जोड़े बनाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोगों ने देखना है कि बॉन्ड पेयर बनते किस तरीके से हैं, बॉन्ड पेयर बनते किस तरह हैं और कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं। कुछ ऐसे हम लोग मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसके अंदर एक बॉन्ड पेयर बन रहा होता है, मींस के एक बॉन्ड बन रहा होता है और उस एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन आपस में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें चार इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग दो इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं, दो पेयर भी बोलते हैं, दो जोड़े भी बोलते हैं, वो आपस में मिलके क्या बना रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयरिंग होती है इसी पे डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन
व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, by each bonded atom one bond pair is formed, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. अभी मैं उर्दू में डेफिनेशन लिख के आप लोगों को डिटेल से समझा दूंगा. जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है, तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हाइड्रोजन H2 की एग्जाम्पल देते हैं. हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. इस हाइड्रोजन एटम को के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है और इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये जब आपस में मिलते हैं, अब ये एटम और ये एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहा है, यही लिखा हुआ है. जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे के ये बॉन्ड बनाएंगे ये इस तरीके से. और इसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह. और ये लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर हो रहे होते हैं उसके दरमियान एक लाइन लगाई जाएगी. इस लाइन का मतलब होगा बॉन्ड बांध रहा. अगर एक लाइन होगी तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा. इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लोरीन है, मैंने पहले लिखी भी है. ये आपस में मिलेंगे तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड बनेगा और इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. इसी तरीके से HCl, ये हाइड्रोजन एक एटम देती है क्लोरीन के आखिरी शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए. हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं कर देते बल्कि क्या करते हैं, शेयर करते हैं. तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है. इसी तरीके से अगर आप लोग CH4 को देखो तो कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और 4 हाइड्रोजन अटैच होती हैं इस तरह. तो ये आपस में क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद
दूसरी टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड डेफिनेशन, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम्स कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड बनाने वाला एटम जो है वो दो दो इलेक्ट्रॉन फ्राहम करे, टू इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड, टू बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड, या फॉर्म लिख लें टू बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड and a double covalent bond is formed. Covalent bond is formed. इसकी उर्दू में डेफिनेशन, जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम दो इलेक्ट्रॉन्स फ्राहम करता है तो दो अदद बॉन्ड पेयर्स की शराकत बनती है, बॉन्ड पेयर्स की शराकत बनती है और एक डबल कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। अब इसकी हम लोग अगर डेफिनेशन के मुताबिक एग्जांपल देखें तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम, इसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरीके से ऑक्सीजन का दूसरा एटम, इसके आखिरी शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दें, ओ टू बना देंगे। तो ये इस तरीके से आपस में क्या बना देंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ओ इस तरह, और बनेगा क्या ये O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से इथीन, ये कार्बन, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इधर दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगी, ये इस तरह ये बॉन्ड बना लेंगे और कार्बन भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, ये इधर हाइड्रोजन, ये इस तरह। तो हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में कार्बन देखो, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड इधर भी बना रही है, दो बॉन्ड बना रही है, इधर भी दो बॉन्ड बना रही है, मीन कि इस कार्बन के 4 तो अपने इलेक्ट्रॉन हैं और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए हैं इस कार्बन ने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर किए हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयर किए हुए हैं। इस तरह कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं ऑक्टेट के अंदर। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। तो हाइड्रोजन और कार्बन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है जबकि कार्बन और कार्बन का आपस में क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद लास्ट पे टाइप है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड।
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम्स कंट्रीब्यूट्स, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्री बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड थ्री बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड या आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स फ्राहम करता है तो बॉन्ड बनने के अमल में तीन बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको तीन स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जांपल है इसकी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। किस तरह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है? एक नाइट्रोजन एटम, इसके आखिरी शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसके आखिरी शेल में भी पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो दोनों एटम आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और इस तरीके से क्या बनाते हैं, N2। इसको किस तरह लिखा जाता है? इसको इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह दोनों एटम्स के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कार्बन और कार्बन को देखो तो कार्बन के आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इथाइन या एसिटाइलीन ये इसको हम लोग इथाइन भी बोलते हैं, इथाइन या इसको एसिटाइलीन गैस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, जबकि कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये आप लोगों का कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स ये टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।